नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। इसी बीच मामले में एक नया अपडेट भी सामने आया है, जहां पुलिस ने दो और लोगों को आरोपी बनाया और मामले की जांच तेज कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक और नया खुलासा हुआ है और मुकदमे में ईट ऑन बिरयानी शॉप के मालिक नफीस अहमद और उसके रिश्तेदार रुखसार को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस क्रेटा कार से अरबाज साबिर और अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल के घर पहुंचे थे, वो कार नफीस की थी। हालांकि जांच में ये पता चला है कि नफीस ने ये क्रेटा कार अपने रिश्तेदार रुखसार को बेच दी थी, मगर पुलिस की जांच में कई ऐसे क्लू मिले हैं जिससे साफ होता है कि नफीस और रुखसार को ये पता था कि क्रेटा कार कौन यूज कर रहा है। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद साबिर और अरबाज उसी कार से चकिया अपने घर पहुंचे थे और गली के बाहर कार खड़ी करके सबके सब भाग निकले, जिसके बाद में पुलिस ने क्रेन से कार को खिंचवाकर जब्त किया था। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद अरबाज और उस्मान को कुछ दिन बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। मीडिया में ये भी खबर उस वक्त सुर्खियां बनी हुई थी कि अतीक का करीबी ईट ऑन बिरयानी शॉप के मालिक नफीस को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही कार के दूसरे मालिक रुखसार को भी गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। जानकारी के अनुसार हत्याकांड के बाद नफीस और रुखसार दोनों ही अचानक गायब हो गए थे। अब पुलिस ने दोनों की तलाश फिर से शुरू कर दी है। पुलिस ने नफीस के रोशन बाग वाले घर पर कई बार दबिश भी दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है। तो फिलहाल रुखसार के घर पर भी पुलिस कई बार जा चुकी है, लेकिन वो भी गायब है। दोनों की तलाश में प्रयागराज पुलिस दूसरे प्रदेशों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। पुलिस को आशंका है कि नफीस हैदराबाद में छुपा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के अन्य आरोपी भी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।